मसला थोड़ा सॉल्व कर लेंगे दे दो चाबी दे दो गलत करेगा चाबी किस तरह देनी पहले सलाह एक बंद घर जाके चोरी करे मेरी सुनो गल उसके दूसरा बंदा क्यों पहली गल चोरी कर गलती है तू गलती हूं कह नहीं देखो कहना यही गलती है झूठी मारना हाँ जी 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 आपने बताया जी जी क्यों बताया हमारे भी पेट लगा सुबह सर मैंने सवारी सर मैं सवारी हम बस स्टैंड 150 जा रहे हैं ई रिक्शा पहले 200 लेके जा रहे हैं हम 150 रुपए जा रहे हैं बस स्टैंड के लिए ठीक है ये 200 रुपए जा रहे हैं ई रिक्शा वाले ये क्या क्या है सर आप देखो ना रविंदर सर आप बताओ ये क्या है ये पेट्रोल गाड़ी 100 रुपए तेल है ये दो सवारियां लेके ये मुट्ठी लेके आ रहे हैं ई रिक्शा 10 रुपए और 20 रुपए में चलता था और ये 200 रुपए मांग रहे हैं बस स्टैंड का ई रिक्शा हम बस स्टैंड नहीं जाना हमारे लिए क्या आप जी सर उनको बस स्टैंड नहीं जाना है देखो ना सर यार उनको बस स्टैंड नहीं जाना है सर मैं मुट्ठी से है सवारी लेके उन्होंने मेरे से दो सवारी थी उन्होंने किया मेरे से 150 उन्होंने 200 रुपए बताया नहीं बताया बोल रहा सर 100 रुपए को दे रहे हैं तूने 200 रुपए उसको बताया नहीं बताया और ऊपर से मैं बात कर रहा हूं ऊपर से धक्के मार रहे मेरे को नहीं नहीं तेरे को धक्के कोई नहीं मारेगा भाई इनका भी स्टैंड बोल रहा नहीं मैं बेटा बोल रहा नहीं नहीं बोला बेटा बेटा बोल रहा मैं बेटे ऐसे काम नहीं करता कोई नहीं मारेगा मारा क्यों मारा तेरे को जहां से सवारी उठाने का परमिट है और सर मैं सवारी नहीं कि मैं खाली बंदे ने गल कर रहा हूं बेटे झूठी मत बताए मैं बिठाई मैं तेरे पुत्र पुत्र का क्या तू आखा मेरे को मारा मारा तेरे को किसी ने चोरी तुम लोग कर रहे हो हर काम तुम लोग मैं चोरी नहीं है मेरा तो बुजुर्ग है नहीं नहीं मारा नहीं मारा ना ई रिक्शा वाले कर रहे हैं तुम लोग कोई नहीं बोलया सुन मैं पहले मैं कहता हूं आप नहीं मारे इन्हें मारे नहीं तू आखा मैं सवारी 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 आई थी मेरे साथ उन्होंने मेरे से किया था 150 रुपया इधर आके सवारी मेरे साथ लड़ाई कर रही 100 रुपया दे रही है मेरे को ऊपर से इन्होंने मेरी चाबी निकाल दी ऊपर से धक्के मार रहे हैं मेरे को सर ये वाले भैया तूने क्या किया सर मैं पर्ची वाले के साथ बात कर रहा हूँ सवारी बीच में आ गई ठीक है अंदर आ गई मैंने जबरदस्ती नहीं बिठाई सवारी मेरे से पर्ची मांगी मैंने बोला भैया किस बात की पर्ची है कहते गेट एंट्री करते हैं उसकी पर्ची लगती है 20 रुपए मैंने कहा कोई बात नहीं सवारी आई तो बीच में सामान रख रही है तो मैं बात भैया के साथ कर रहा हूँ ठीक है तो मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं पैसे अपने तो सब एक मिनट चलो ठीक है सर ऐसा है जी इन्होंने पर्ची काटी जुनीन वाले ने ठीक है ठेकेदार ने और दूसरा नंबर इसने सवारी उतारी हम भी रिक्शे वाले खड़े सुबह की बोनी करनी है इसने फिर दूसरी सवारी उठा ली हमने इसको मना किया जबरदस्ती बिठाई सिंह साहब ने बिठाई सर नहीं मैं गल दूरे आपने लोड की थी सर मैं गल दूरे करना करा नहीं नहीं आपने उठाई यहाँ पर देख सकते हैं फिर एक विवाद जो है वो देखने को मिला है ई रिक्शा चालक और ऑटो चालकों में हालांकि ये रेलवे स्टेशन स्टैंड और यहाँ पे ये ऑटो चालक जो है यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं ताकि यहाँ पर ये सवारी आए और उसके बाद ये सवारी यहाँ से बिठा के ले जाए मगर वहीं ई रिक्शा वाले अगर अंदर आके यहाँ से सवारी उठाएंगे ये भी गलत है अपील रहेगी आप सबसे मिल कर काम कीजिए क्योंकि पेट इनके साथ भी लगा है आपके साथ भी लगा है मगर किसी के आगे से सवारी ना उठाएं ये हर बार
हमारी अपील रहती है। और फिर मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जिसका स्टैंड है, वो चाहे ई रिक्शा स्टैंड हो या फिर काले ऑटो वालों का स्टैंड हो, स्टैंड के सामने आप ना आए और यहाँ पर सवारी ना उठाएं। कोशिश करें सवारी ऐसी जगह से उठाएं जहाँ पे कोई भी स्टैंड ना हो। अब यहाँ पे भी एक विवाद जो है वो देखने को मिला है, हालांकि ये विवाद जो अब हल हो चुका है। अगर फिर हर एक शख्स से अपील रहेगी, अगर आप ऑटो चलाते हो या फिर ई रिक्शा चलाते हो, किसी भी ऐसे स्टैंड के पास आके अगर आप सवारी उठाएंगे, सोचिए ये लोग भी सुबह से यहाँ पर हैं कि यहाँ काम कर सकें। अगर इन्हीं के आगे से हम सवारियाँ उठा के ले जाएंगे तो सोचो इनका गुजर बसर जो है वो भी किस तरह से होगा। तो अब आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।